खासतौर से महिलाएं, क्योंकि महिलाओं को ही घर चलाना पड़ता है, उनको अपने बच्चों का भविष्य भी सुधारना है। और आप ये सोच लीजिए, जब आपकी बच्चों को ना नौकरी मिलेगी पढ़ाई लिखाई करके, आज जब आपका बच्चा बड़ा होगा और वो जो महंगाई से जूझेगा तो उसकी जिम्मेदार आप होंगे। आपके बच्चा आपसे पूछेगा कि जब ये आंदोलन चल रहा था आप लोग कहाँ थे, आप लोग इस आंदोलन में शामिल क्यों नहीं हुए। तो भाई, अगर इस किसान आंदोलन में आना आप खालिस्तानी या पाकिस्तानी है तो मैं सैल्यूट करती हूँ और मैं तो इसको मेडल की तरह लेती हूँ कि भाई मैं खालिस्तानी हूँ, मुझे खालिस्तानी समझ करके आपको गोली मारनी है, जो करना है जेल में डालना है डाल दीजिए, क्योंकि ये आंदोलन तो रुकेगा नहीं। आज आप अपना 56 इंच का सीना चौड़ा करे फिरते हैं, इकोनॉमी जो संभाली है वो अन्नदाता ने संभाली है। आज अगर वो भी खालिस्तानी है तो शर्म आनी चाहिए आपको, फिर ये बताना पड़ेगा कि आप कौन हो। सरकारें हमसे हैं, सरकारें किसानों से हैं, हम सरकारों से नहीं है। सरकार आएगी चली जाएगी, लेकिन किसान यहाँ था, यहाँ है, यहाँ रहेगा। जय जवान जय किसान। मैं प्रियंका राणा हूँ, सोशल एक्टिविस्ट हूँ, महिला और जो बाल अधिकारों के लिए काम करती हूँ, और पेरेंट एसोसिएशन की प्रेसिडेंट भी हूँ, और किसान की बेटी हूँ, किसान की बहन हूँ, इसलिए आज यहाँ पर इस आंदोलन में हूँ। अच्छा मैम, आपको क्या जरूरत पड़ गई किसानों के साथ आने की? कि मुझे लगता है इस देश में जो भी अन्न खाता है उसको इस आंदोलन से जुड़ने की जरूरत है, और मुझे तो लगता है कि पूरे देश को, क्योंकि ये आंदोलन जो है ये पूरे देश का आंदोलन है, सिर्फ मेरा या किसानों का आंदोलन नहीं है। क्योंकि इस जो काले कानून है उससे महंगाई जो है वो आसमान पर छू जाएगी। पहले यही सरकार थी जो इस महंगाई के लिए इतना लड़ती थी, इतना चिल्लाती थी, और ये कहती थी कि जब हम सत्ता में आएंगे और इसको खत्म कर देंगे। आज वही सरकार है जो भंडारण को एक तरह से उसने लीगल घोषित कर दिया, और उसी की वजह से अब जब इतना ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी इन पूंजीपतियों को मिल जाएगी और उसकी वजह से जो महंगाई आसमान छुएगी उसका जवाब कौन देगा। और यही जो लोग आज अन्न खाते हैं इस देश का और घर में छुप करके बैठे हैं, मैं तो उनको भी रिक्वेस्ट करूंगी कि वो लोग भी घर से बाहर निकले, क्योंकि कल को ये जो अन्न आप आज खा रहे हैं ना, ये आपको घर में जो आपकी थाली सजा करके मिल रही है वो भी खाना मुश्किल हो जाएगा। आपके जो बच्चे हैं वही आपको कोसेंगे, क्योंकि उनको जो जितना महंगा दाम उसका देना पड़ेगा वो अफोर्ड भी नहीं कर पाएंगे। ना नौकरी है, ना आपको अन्न मिलेगा, तो आप बताइए ना आपके बच्चों का फ्यूचर क्या हो जाएगा। तो मैं तो सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, इस देश के हर एक नागरिक को, वो इस आंदोलन में आए, खासतौर से महिलाएं, क्योंकि महिलाओं को ही घर चलाना पड़ता है, उनको अपने बच्चों का भविष्य भी सुधारना है। और आप ये सोच लीजिए, जब आपकी बच्चों को ना नौकरी मिलेगी पढ़ाई लिखाई करके, आज जब आपका बच्चा बड़ा होगा और वो जो महंगाई से जूझेगा तो उसकी जिम्मेदार आप होंगे। आपके बच्चा आपसे पूछेगा कि जब ये आंदोलन चल रहा था आप लोग कहाँ थे, आप लोग इस आंदोलन में शामिल क्यों नहीं हुए, क्यों नहीं ये जो गलत नीतियां सरकार ला रही थी इसके विरोध में खड़े हुए। मैम, सरकार तो जो है अभी भी कह रही है कि ये जो कानून है ये हम किसानों की भलाई के लिए लाए हैं और किसानों की आय जो है हम बढ़ाना चाहते हैं, समृद्ध करना चाहते हैं किसानों को, तो आपको भी भ्रमित किया जा रहा है कहीं ना? आप एक बताइए ना, पहले तो सरकार अपना स्टैंड क्लियर करे, भ्रमित कौन कर रहा है। पहले तो वो कहा था उसने 6% यहाँ पे किसान बैठे हुए हैं, आज वो इसी 6% नकली किसानों से डरे हुए हैं, कह रहे हैं कि हम लोग इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, इतनी जो ट्रैक्टर रैली है वो दिल्ली में नहीं जा सकती है। तो पहले अपना स्टैंड क्लियर करो कि यहाँ पे नकली किसान है वो 6% है या पूरे देश के किसान यहाँ पर बैठे हुए हैं। कभी आप कहते हैं कि दूसरी जो अपोजिशन सरकार है वो हमें, जो अपोजिशन है वो हमें भड़का रहा है, तो अगर अपोजिशन इतना स्ट्रांग है तो फिर आप ये क्यों कहते हैं कि अपोजिशन तो कहीं है ही नहीं, अपोजिशन इतना कमजोर है। आप हर एक नेताओं को अलग अलग नाम से बुलाते हैं, तो आप पहले अपना स्टैंड क्लियर कीजिए कि आप लोग कहना क्या चाहते हैं। आप ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर सारे किसान मौजूद है, पूरे देश के अन्नदाता इस आंदोलन को सहयोग कर रहे हैं, या फिर आप लोग ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ 6% है, और अगर 6% है तो आपको कोई इनसिक्योरिटी होनी नहीं चाहिए, आपको तो जाने दो, 6% किसान क्या कर लेंगे, एक बार चक्कर लगा आएंगे दिल्ली का, तो पूरे देश को पता चलने दो ना कि भाई असली किसान है और कितने किसान है। आज उनको इस बात का डर लग रहा है कि इस पूरे देश का जो किसान है, आम नागरिक जो है, इस आंदोलन से जुड़ चुके हैं, और ये सारे किसान जब दिल्ली में 26 जनवरी को परेड में शामिल होंगे तो जो मोदी जी हैं उनका जो भी झूठ है वो पूरी दुनिया को एक्सपोज हो जाएगा, उनका जो मुखौटा है वो सबके सामने आ जाएगा। सरकार के जो वकील हैं वो सुप्रीम कोर्ट में कह रहे थे कि मैडम इस किसान आंदोलन में जो है खालिस्तानी घुस गए हैं, तो आपको क्या लगता है?
हाँ बिल्कुल, देखिए ना, हम लोग खालिस्तानी हैं। अगर हर एक देश का नागरिक जो उनको लगता है कि खालिस्तानी है, तो भाई अगर इस किसान आंदोलन में आना आप खालिस्तानी या पाकिस्तानी है, तो मैं सैल्यूट करती हूँ और मैं तो इसको मेडल की तरह लेती हूँ कि भाई मैं खालिस्तानी हूँ, मुझे खालिस्तानी समझ करके आपको गोली मारनी है, जो करना है जेल में डालना है डाल दीजिए, क्योंकि ये आंदोलन तो रुकेगा नहीं। क्योंकि आप हर किसी को खालिस्तानी पाकिस्तानी बता करके अगर उसकी आवाज़ दबाने की कोशिश करेंगे तो वो ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। ये जो स्ट्रेटेजी डिवाइड एंड रूल की जो आप लोग अपनाते आए हैं, ये सब अब सबके सामने आ चुकी है। लोग भ्रम से निकल चुके हैं, उनको असली जो असलियत है सरकार की वो समझ में आ चुकी है। आज हम लोग अन्नदाता के साथ हैं और अगर सरकार अन्नदाता की अनदेखी करती है, कृषि प्रधान देश है हमारा, और अगर आप किसानों की नहीं सुनते तो फिर आप सुनते किसकी हैं? अगर यही खालिस्तानी है तो फिर देश का नागरिक कौन है, देशभक्त कौन है? तो आप मुझे बताइए ना, उन देशभक्तों को सामने तो लाइए कि वो कौन है। अगर ये जो देश का अन्नदाता है, जो पूरी दुनिया को अन्न भेजता है, आज आप अपना 56 इंच का सीना चौड़ा करे फिरते हैं, इकोनॉमी जो संभाली है वो अन्नदाता ने संभाली है, आज अगर वो भी खालिस्तानी है तो शर्म आनी चाहिए आपको। फिर ये बताना पड़ेगा कि आप कौन हो, क्योंकि ये जो अन्नदाता है ये सच्चा देशभक्त है और इसको अपनी आइडेंटिटी बताने की जरूरत नहीं है। मैम, आप भी महिला हैं और हेमा मालिनी जो बीजेपी की सांसद है मथुरा से, वो भी महिला है, और दूसरी तरफ एक राजस्थान की बीजेपी की MP है बीना करके, वो भी महिला है, तो वो कह रही है जो किसान है वो बॉर्डर पर AK-47 लेके बैठा है। दिखाइए ना AK-47 के लिए बैठे हैं। आप सिर्फ बातों से लोगों को झूठ फैला करके, और हेमा मालिनी जो तो हेलीकॉप्टर से लैंड होने वाली किसान है, उनको तो ये भी नहीं पता कि कौन से सीजन के अंदर कौन सी फसलें उगाई जाती हैं। उनको तो वो सिर्फ फोटो खींच करके ये दिखाती है कि मैं किसान हूँ। अब वो कह रही थी कि हम जो है किसानों को पता ही नहीं है बिल में क्या लिखा है, तो आप आ जाइए ना, मैं तो चैलेंज कर रही हूँ, आप बॉर्डर पे आइए, वो जो फॉर्मूले हैं जिससे आमदनी दुगनी हो रही थी किसानों की, वो हमें समझा दीजिए। अगर आप समझा देंगे हम लोग घर वापस चले जाएंगे, पर ये रॉकेट साइंस और ये फॉर्मूले आज तक तो कोई समझा नहीं पाया। सरकार अभी भी ये कह रही है कि हम सारे संशोधन करने के लिए तैयार हैं। आप एक बात समझ लीजिए, वो कह रहे हैं कि इस बिल में जितने भी चेंजेस करवा रहे हैं करा लीजिए, लेकिन बिल वापस नहीं लेंगे। इस बिल में रखा क्या है, फाड़ करके इसको डस्टबिन में क्यों नहीं फेंक देते? सिर्फ मूछों की लड़ाई है। उनको लग रहा है कि आज तक कोई बिल वापस नहीं हुआ। पहले उन्होंने कोशिश की जो किसान है उनको बदनाम करने की, अब वो विफल हो चुके हैं, उनके पास कोई हथकंडे नहीं बचे हैं। पूरा देश जान गया है कि ये जो अन्नदाता है वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज इसलिए वो बौखलाए हुए हैं और न जाने जाने कैसे स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो मैं जितनी भी अदाकारा हैं, जितने भी सेलिब्रिटीज हैं, उनको कहती हूँ, अगर आप सही में अन्न खाते हैं और अन्नदाता की रेस्पेक्ट करते हैं तो इस आंदोलन को सहयोग कीजिए, नहीं तो मुझे लगता है कि आप असली देशभक्त हैं ही नहीं, ना ही इस देश के नागरिक हैं। आप लोगों को सिर्फ सत्ता का लालच है, आप लोगों को सिर्फ पूंजीपतियों के तलवे चाटने की आदत पड़ गई है। आ सकते हैं ना झुके हैं, किसान किसी के रोकने से रुकते नहीं हैं। किसान वो होता है जो बंजर जमीन में भी हल चला करके फसलें उगा सकता है, वो आज तक ना कभी हारा है ना हारेगा। सरकारें हमसे हैं, सरकारें किसानों से हैं, हम सरकारों से नहीं हैं। सरकार आएगी चली जाएगी, लेकिन किसान यहाँ था, यहाँ है, यहाँ रहेगा। जय जवान जय किसान। आखिरी सवाल, कल एक सर्वे आया था ABP का और आज तक का, तो वो कह रहे थे कि 55% जो किसान है, अब पहली बात तो ये जो भोले भाले किसान है वो ट्विटर चलाते नहीं है, पोल में हिस्सा लेते नहीं है। वो कह रहे हैं कि 55% जो किसान है वो इन बिलों को चाहते हैं कि ये लागू हो जाए, इन कानूनों को। कहाँ है वो लोग, कहाँ हैं? उनको जैसे हम लोग धरने पे बैठे हैं, उनको भी तो किसी ना किसी बॉर्डर पे बिठा दीजिए। वो बॉर्डर कहाँ है, वो लोग कहाँ हैं? वो कुछ जो ट्विटर पे जो नरेंद्र तोमर जी डाल रहे थे, वो तो अभी की एसोसिएशन है। वो तो जब आंदोलन शुरू हुआ कोई भी आकर के उनके साथ फोटो खिंचवा करके वो डाल रहे हैं ये किसान है। अरे भाई, उसने आज तक कौन सी किसानों की लड़ाई लड़ी, हमें भी तो दिखा दीजिए। और वो इतनी हिम्मत क्यों नहीं आ करके, अगर वो किसान ही है तो किसान भाइयों के साथ आइए, हम लोग इन्विटेशन दे रहे हैं। हम बिल्कुल सम्मान के साथ उनको स्टेज पर ले जाएंगे और उनको चैलेंज करते हैं कि भाई वो फॉर्मूले आ करके हमें समझा दो कि किस तरह से ये जो कानून आए हैं वो हमारे हित में है। आप समझा दीजिए, हम मान जाएंगे, पर समझाइए तो सही। आप तो किसान, जो सरकार है वो भी विफल हो चुकी है, वो भी आज तक नहीं समझा पाई कि इनमें फायदे क्या हैं। वो खुद मान गई कि इतने संशोधन करने को हम तैयार हो जाएंगे, फिर आखिर बचा क्या है? फिर किस बात का भरम फैला रहे हैं और किस बात की ये झूठे दलील दे रहे हैं कि भाई हम लोग नकली किसान हैं और वो असली किसान।
किसान है जो वो हित में है। बुलाइए ना, सारे गांव तो हम देख रहे हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से कितना जो किसान है वो सहयोग दे रहे हैं, गांव गांव से लोग आ रहे हैं, जिसका जितना भी कॉन्ट्रीब्यूशन हो सकता है वो हर तरीके से अपने सहयोग कर रहा है इस आंदोलन के अंदर, और जी जान से यहाँ पर डटे हुए हैं। और जो हमारे भाई हैं, किसान भाई हैं, उनका हौसला आज आसमान पर है, वो कुछ भी हो जाए वो हिलने वाले नहीं है, यहाँ पर जीत कर ही जाएंगे। यहाँ पर महिला कार्यकर्ता भी हैं, उन्होंने अपनी बात पुरजोर तरीके से रखी। इस खबर को लेकर आपकी जो भी राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, साथ ही साथ इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। शुक्रिया। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।